अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ मुल्तान नाइट राइडर्स। आज आपके लिए एक सुपर डुपर बीस्ट लेके आया हूँ, कावासाकी का, विच इज़ ओन्ड बाय द ग्रेट खावर भाई, एके प्रिंस ऑफ शुजाबाद। इनका टिकटॉक भी है और आप देखें ज़रा, बड़े हार्डकोर किस्म की वीडियोस डालते हैं। माशाल्लाह ब्यूटीफुल मशीन, फुली लोडेड। और आप लोगों को मैं सबसे बड़ी बात बताऊं कि मैं कावासाकी फ़ैन बॉय हूं, क्योंकि मेरे पास ZX11R भी था, तो ये उसी की ब्रीड है, उसी का DNA है। और माशाल्लाह वन हेल ऑफ अ बीस्ट है ये, स्पोर्ट्स टूरिंग में अंत मचाने वाला। बस हायाबूसा का गेम बन गई, वरना इस बाइक ने भी फीचर्स और खूबसूरती में कमी नहीं दी। ब्यूटीफुल बाइक माशाल्लाह। चलें जी, खावर भाई का हम पीछा करते हैं सलंसर से दूर रह के, क्योंकि खावर भाई को ग्रे वुल्फ ने थोड़ी सी काटी कर ली है। बस माफी। चलें, ओके, बिस्मिल्लाह। चलें जी, ZX14R और हायाबूसा, ये ए कैटेगरी की बाइक है, यानी कि दीज बिलोंग टू अ स्पेसिफिक कैटेगरी, ये स्पोर्ट्स टूरिंग कैटेगरी है, ये आपको बिल्कुल नहीं थकाती। पावर में एक से एक बढ़ गई, ये 1440 सीसी गालिबन और हायाबूसा 1340 सेकंड जनरेशन, अब तो इन्होंने थर्ड जनरेशन हायाबूसा ने भी ऐसे ही रखा है। सो ये एग्जॉस्ट भी
जेन्युइन लगा हुआ, ओरिजिनल OEM, हर चीज़ इसकी ओरिजिनल है। पाकिस्तान में OEM एग्जॉस्ट मेरे नज़दीक ख़तरनाक है, क्योंकि मैंने फेस किया हुआ, जब हम लेफ़्ट राइट से निकलते हैं तो आवाम को नहीं पता होता, और वो आपको पता है फिर इशारा वगैरह तो दूर की बात है, वो चीज़ों का नहीं ख्याल करते हम। चलें आगे जाके मिलते हैं। इधर पे एक पैच है, गोलियां गोलियां। रावर भाई भी अच्छे ड्राइवर हैं, अच्छे राइडर हैं, और अल्लाह ताला इनको सेफ एंड साउंड रखे। ये देखा ना, ये आवाम लेफ्ट राइट मुड़ते हैं। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, अभी तक लू मुझे टच हो रही है, और राइडिंग नहीं स्किप होती, राइडिंग तो साथ है। ये क्या है, पेट्रोल की लाइट क्यों जल गई, अभी तो डलवाया पेट्रोल यार, अबे कहाँ हो गया। अभी आगे सिटी हाउसिंग वाला जो रोड आता है ना, वहाँ पर हम बाइक स्वैप करेंगे, मैं ZX14R को ट्राई करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वापस क्यों मुड़ गए, ZX14R को हम राइड कर रहे हैं, बिल्कुल निम्बल है, बे आवाज। मुझे ऐसे ही लग रहा है ZX11R चला रहा हूँ मैं। इधर पुलिस खड़ी थी, वापस नहीं जाना। कितनी ज़बरदस्त और कितनी स्मूथ है, माशाल्लाह। इंतहाई कंफर्टेबल और इतनी फ्रेंडली, मुझे लग रहा है मैं कोई 600 cc बाइक चला रहा हूँ। सिटिंग पोस्चर इतना फ्रेंडली है कि आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस, माशाल्लाह। क्या बात है, वाओ। एक जंप आया छोटा सा, बिल्कुल बाइक मुलायम तरीके से गुजर गई उसके ऊपर से।
ZX14R का जो एक ग्रैंडफादर है ना ZX11R यानी ZZR1100, वो मैंने चलाया हुआ है, काफ़ी दफ़ा चलाया हुआ है, ज़बरदस्त माशाल्लाह अभी भी वो वर्किंग और अलाइव है। और ओनर बेचता ही नहीं है, क्योंकि ये बाइक जो है ना वो आपको ड्यूल स्पोर्ट्स का मज़ा देती है, क्रूजिंग में भी और सुपर स्पोर्ट लेवल में भी। बाइक चूंकि 0 मीटर हालत की, इसलिए इसकी ब्रेकिंग भी 10/10 है, एक्सेलेरेशन एवरीथिंग इज अप टू मार्क। कावासाकी ZX14R का सिर्फ ये कसूर है कि इसने हायाबूसा के बाद इसको लॉन्च किया, वरना ये उससे कम नहीं है। अगर हायाबूसा माइटी हायाबूसा है तो ये भी, ओ फ्लेम देखा आपने, देखा आपने, मैं तो बिल्कुल मुलायम ऐसे ऐसे गुजर रहा हूँ खड्डे के ऊपर। आई थिंक हमें बाइक्स वापस स्वैप करनी चाहिए, क्योंकि मुझे ग्रे वुल्फ की याद आ रही है, इसलिए याद आ रही है कि वो उसका सेटिंग बहुत से एग्रेसिव है, इसका बिल्कुल सुकून है। मज़ा आ गया माशाल्लाह, मैं कहता हूँ कंफर्टेबल है और पावर है।